आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो है Q&A का ब्लॉग। तो आज मैं आप ही लोगों का सवाल का जवाब दूंगी। मुझे पता है आप लोगों का दिन में बहुत ही ज्यादा सवाल होता है, ये वो, मैं कुछ भी जवाब नहीं दे पाती हूँ और मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग अपलोड करने वाली हूँ, तो इस ब्लॉग को भर भर के प्यार देना। और मैंने आप लोगों को सवाल पूछा था इंस्टाग्राम पे कि आप लोगों का जो भी सवाल है मुझे बताओ, मैं ब्लॉग अपलोड करने वाली हूँ और इस ब्लॉग में आप लोगों का नाम भी लूँगी, जितने भी लोग जितना भी सवाल किया है और जो जो सवाल मुझे लगा कि मैं जवाब दे सकती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो मैंने इंस्टाग्राम पे सबसे सवाल पूछा था कि आप लोग पूछो मुझसे आपको क्या जानना है मेरे बारे में या कुछ भी ऐसा कुछ, तो आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। तो बहुत लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं, देखो तो मैंने सबका स्क्रीनशॉट लेके रखा है कि हाँ ये सवाल ठीक है, मैं इसका जवाब दे सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल। तो पहला सवाल जिसने पूछा है उसका नाम है शाहिबा। हाय साहिबा। तो उन्होंने पूछा है कि आपका लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट कब था और आप अपने फैंस से कितना प्यार करते हो। मैं इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट लाइफ का बेस्ट मोमेंट देखो, मैं फेमस तो हो चुकी थी, मुझे समझ आ रहा था उस टाइम कि मैं फेमस हो चुकी हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझे लेके वो लोग फोटो वीडियो सब बना रहे हैं। कुछ जो हेटर्स है वो तो गाली देते हैं, उसको साइड में रखते हैं हम, पर मेरे लाइफ का सबसे जो बेस्ट मोमेंट था इतना सब कुछ करने के बाद, मेरा जो पहला बैनर लगा हुआ था रोड पे, पता नहीं आप लोगों ने कितने लोग देखे होंगे कि नहीं, मेरे पास फोटो आया था व्हाट्सएप पे कि दीदी आपका बैनर लगा हुआ था। और वो मोमेंट जो मेरे लिए था बेस्ट था कि मेरा फ़ोटो लगा हुआ है रोड पे बैनर हिसाब से, मतलब ये मेरा एक ड्रीम था। और उस टाइम जो फीलिंग्स था मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा खुश थी मैं, सुबह सोके उठी, उठने के बाद ही मुझे पता चला कि बैनर लग चुका है। ओह माय गॉड, आप सोच सकते हो कि आपका बैनर रोड पे कितने लोग जाते देखते, कि पता नहीं कितने लोग मुझे पहचाने होंगे, क्या बोले होंगे, उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा, पर मुझे पता है मेरा फीलिंग्स क्या था। तो यही है मेरा लाइफ का बेस्ट मोमेंट, और भी है, बताने जाऊँगी तो फिर ब्लॉग ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप बोर हो जाओगे, इतने सारे बेस्ट मोमेंट है मेरे लाइफ में। एक और बात है, जो भी मेरे साथ हो, इतनी छोटी छोटी भी चीज़ क्यों ना हो, वो ही मेरे लिए बेस्ट होता है, पर वो जो एक सीन था मेरे लाइफ का बहुत बढ़िया था। खत्म। और दूसरा सवाल था कि मैं अपने फैंस से कितना प्यार करती हूँ। तो आई लव माई फैंस, आई लव यू टू ऑल। आई लव यू के बाद क्या होता है, कुछ नहीं, इतना आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आमी तुम्हारे भालो बाशी। जो सेकंड सवाल है वो पूछा गया है रूबीना से। हाय रूबीना। तो रूबीना ने बोला है कि आपका कितना रोज़ा हुआ है। जी रोज़ा मेरा पूरा हुआ है, आज शायद 22वां रोज़ा है, तो 22 रोज़ा मेरा पूरा है। और ये भाला सवाल मैंने बहुत पहले पूछा था, तब शायद 10वां रोज़ा चल रहा था। तो नेक्स्ट सवाल जो है, मैं पहले आपको ये बता दूँ, आधे से ज़्यादा सवाल तो यही आया है कि आप शादी कब करोगे, अब क्यों नहीं कर रहे हो शादी, आपका बर्थडे कब है, आपका नाम क्या है, क्यों भाई मेरे शादी के पीछे क्यों पड़ रहे हो। तो नेक्स्ट सवाल पे हम जाते हैं, आपका बर्थ ईयर क्या है बताओ। तो वो है 2001 18 मार्च। और उसके बाद ये, सबसे ज़्यादा प्यार आप किससे करते हो, ऑब्वियसली बात है आपका मम्मी पापा से ज़्यादा ऊपर किसी को रख नहीं सकते हो, तो मम्मी, और उसके बाद है अरबाज। कंट्रोल। दूसरा सवाल इसी पे जाता है, अरबाज कौन है आपका, बताओ जरा अरबाज कौन है मेरा। तो अरबाज है मेरा, आप लोगों को पता नहीं है अरबाज कौन है मेरा, क्या नजर रखते हो आप लोग मुझ पे, मैं बता दे तू, अरबाज मेरा है बॉयफ्रेंड। और
इसका बदले में आप ये मत पूछना कि आप शादी कब करोगे, ये मेरा और अरबाज का फैसला होगा कि हम कब शादी करेंगे, पर ये जान लो अरबाज मेरा बॉयफ्रेंड है, तो बाकी लड़कियों अरबाज से दूर रहो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे किसी ने पूछा है कि आप YouTube पर ज़्यादा वीडियो क्यों नहीं अपलोड करते हो, तो इसके लिए आई एम सो सो सॉरी, मैं YouTube पे आई नो मैं अपलोड नहीं करती हूँ, क्योंकि पहली बात मेरा YouTube पे अब तक इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला है उसका एक पेमेंट नहीं आया मुझे, क्योंकि मेरा YouTube अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और मेरे ही वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो वो अभी ठीक हो गया है। तो मैं अभी से कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहूँ, ताकि आप लोगों भी मुझे यूट्यूब पे देखते रहो। अभी पूरा ठीक हो गया तो मैं अभी डालूँगी, ठीक है। आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है कि मुझे लाइफ में एक बार बिग बॉस पे जाना है, प्लीज़ बिग बॉस मुझे ले लो, आप अगर देख रहे हो ये वीडियो तो मुझे ले लो बिग बॉस, मुझे एक बार तो बिग बॉस पे जाना है, सलमान खान को हाय बोलना है सामने से और उनसे एक गाना गवाना है, मैं हूँ हीरो तेरा हाँ, ये वाला गाना उनको बोलना है कि सलमान सर प्लीज़ मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप मेरे लिए बस ये गाना गा दो, मैं उधर ही फ्लैट हो जाऊंगी। हाँ। बताओ जरा क्या सीन होगा, मैं ज्यादा भावुक हो रही हूँ। आई लव सलमान सर हूँ, छोड़ो, पर एक बार तो जाना है मुझे बिग बॉस पे और यही मेरा ड्रीम है, सबसे बड़ा ड्रीम, फिर भावुक हो रही हूँ मैं। फिर दूसरा सवाल क्या है? अगला सवाल जो पूछा है वो पूछा है कि आप ना मूवी बना डालो कसम से बवाल मच जाएगा, तो ये पूछा है मिस्टर निखिल ने। तो निखिल मैं आपको बता दूँ, मूवी तो मैं करना चाहती हूँ पर मैं करण जौहर सर को कॉल पे कॉल कर रही हूँ, वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, वो कल रात थोड़ा डिनर पे हम लोग बैठे थे तो वो शायद मेरी किसी बात पे गुस्सा हो गए होंगे इसीलिए शायद कॉल नहीं उठा रहे, नहीं तो कल ही मूवी निकल जाती मेरी, मेरा प्रोमो नहीं देखा अभी तक, मजाक कर रही हूँ। ज़्यादा से मुझे तो यही सवाल दिख रहा है दी, शादी कब करोगे? ऐसे लग रहा है कि आपको इनवाइट करना पड़ेगा मेरी शादी में, खाना खिलाना पड़ेगा, बता रही हूँ। तो दूसरा जो सवाल किसी ने पूछा है उस पर लिखा है, क्या बोले तुमको देखने के बाद सब भूल जाते हैं? इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, आप भूल जाते हो, अब मैं भी भूल गई आपको बोलने के लिए, मैं क्या जवाब दूँ इसका बताओ। दूसरा जो सवाल है उस पर पूछा गया है, आपका रिलेशन को कितना साल हो गया है? तो कृतिका ने पूछा ये सवाल, मेरा और अरबाज का जो रिलेशन है वो अब तक 5 साल हो चुका है, अभी हम लोग कुछ दिन पहले 5 ईयर वो सेलिब्रेट भी किया था, तो हमारा 5 साल हो चुका है, बताओ 5 साल उसने मुझे झेला है, मैंने उसको झेला है, अभी भी जब तक बुढ़े नहीं होंगे तब तक झेलना पड़ेगा दोनों दोनों को, बताओ इतना लड़ाई करते हम लोग, अब ये लव स्टोरी वाला हो जाएगा, छोड़ो। आगे किसी ने पूछा है, रिया ने पूछा है, आप कौन सा कंपनी का मेकअप यूज़ करते हो? तो बहन मैं पहले ये बता दूँ, मेरा ऐसा कोई ये नहीं है कि मैं एक ही कंपनी यूज़ करती हूँ, जो मुझे अच्छा लग जाए वही मैं यूज़ कर लेती हूँ, मेरे पास कंपनी बोले तो 5 6 7 ऐसे कंपनीज होंगे, हर एक चीज़ हर एक अलग अलग कंपनी का, फाउंडेशन अलग कंपनी, लिपस्टिक अलग कंपनी, एक कंपनी का मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और मेकअप अगर आप बोले तो मेकअप का वीडियो मैं अलग से बनाना चाहूँगी कि क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है नहीं? पर आप, मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, कोई भी एक कंपनी में यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत सारे कंपनीज का प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। बंगाली ब्लॉग प्लीज़, बंगाली ब्लॉग्स मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी, मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ, देखो आधे से ज़्यादा लोग मुंबई दिल्ली दिल्ली से है, तो आधे से ज़्यादा लोग बंगाली समझते नहीं है और आधे पब्लिक समझते हैं जो कोलकाता से है, वही इसलिए नहीं बनाती हूँ, आधे लोग समझेंगे आधे लोग नहीं समझेंगे, फिर वो लोग बोलेंगे दीदी आपने क्या बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं हिंदी में बनाती हूँ ताकि उन लोगों को भी समझ में आए और इन लोगों को भी समझ में आए, ताकि दोनों को समझ में आए, समझ रहे हो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, आप अरबाज सर से कैसे मिले? तो अरबाज से मैंने मिली एक ऑडिशन पे, वो 2019 में मैं मिली थी अरबाज से, ऑडिशन था डांस दी नहीं क्या था ऑडिशन वो शो का नाम,
शो का नाम मैं बोल चुकी हूँ, सॉरी, जिसपे मुकुल गया था उसी शो पे हम लोग मिले थे, तो शो का, आई एम सो सॉरी, वो शो का नाम मैं भूल गई। तो उसी शो के दौरान मैं मिली थी अरबाज से, और अरबाज था स्नेहा का टीचर, तो स्नेहा को मैं जानती थी। उसी टाइम अरबाज से भी मुलाकात हुआ कि ये स्नेहा का टीचर बोल के, तो उसने भी ऑडिशन दिया और मैंने भी ऑडिशन दिया और हम दोनों रिजेक्ट हो गए। उसके बाद थोड़ी बातें होती 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 हो गया ये प्यार, डांडा। तो आगे पूछा गया है, आपका फेवरेट स्नैक्स कौन सा है? तो ये किंग ने पूछा है। तो किंग, मैं आपको बता दूँ, मैं खाने का थोड़ा सा शौकीन हूँ, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं खाती रहती हूँ। अभी रोज़ा हूँ तो वो आप समझ सकते हो, पर मुझे अगर बोला जाए एक चीज़ का नाम, एक कोई स्नैक्स, तो मैं बोलूँगी पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा सबसे ऊपर है मेरे लिए, उसके बाद बाकी जो भी है उसका मैं अभी नहीं बताऊँगी, वो बाद में बताऊँगी, पर पिज़्ज़ा। तुम्ही कोताही थाको, इसने ये बंगाली में पूछा गया है, तुम्ही कोताही थाको मतलब तुम कहाँ रहते हो? तो मैं कोलकाता में रहती हूँ, हमें कोलकाता ही थाकी। तो दूसरा, और मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा सवाल है, इनका नाम नहीं है, इनका बस नंबर है आईडी पे 9927। तो इन्होंने पूछा है, दी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आई नो पापा मम्मी पहले है, बट फैमिली से अलग, फैमिली से अलग अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो है मेरा काम जो है वीडियो बनाना। आप उसको जो भी नाम बोल दो, टिकटॉकर, रील्स बनाती, ये वो, पर मुझे पता है मैं इसी काम से मेरा घर चलता है, मैं खाना खा पा रही हूँ इस काम से, मेरे घर है अभी, मैं पैसे कमा रही हूँ, तो ये मेरा काम है, और मुझे लगता है मेरा लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मेरा काम। तो फैमिली से अलग, मुझे लगता है इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो काम है। तो यहाँ पे किसी ने पूछा है, सना ने पूछा है, विच इज़ द वैल्यूएबल थिंक यू वांट? देखो, मनी तो सबसे पहले दिमाग में आता है, वो उसको साइड में रख के मुझे चाहिए लव, टाइम, रिस्पेक्ट, और बस इतना ही चाहिए मुझे लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो सवाल है वो पूछा है इंसान लाइफस्टाइल ने, उन्होंने पूछा है, आप गरीबी कितना देखी हो? मैं गरीबी देखी हूँ मतलब आप जितना सोच रहे हो उतना भी नहीं। मैं रहती थी अपने मामा के घर, पर मेरे मम्मी ने कभी ऐसा मतलब वो एहसास नहीं करवाया कि मैं गरीब हूँ या हम दूसरे के घर पे रहते। मम्मी से जितना हो सका उतना मम्मी ने किया, और मेरा भी ये हक बनता था कि मैं मम्मी को ज़्यादा फोर्स ना करूँ कि मम्मी ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। मेरे दिमाग में वो सेंस बन चुका था कि सब कुछ देख के कि नहीं, मैं ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं कर सकती हूँ मम्मी से। अगर मुझे कुछ पसंद आया मैं बोलूँगी तो वो मम्मी लेके देगी, वो कैसे भी करके वो मम्मी लेके देती, पर मैं वो ज़्यादा डिमांड नहीं करती थी उस टाइम, क्योंकि मुझे समझ था कि मम्मी ज़्यादा मेहनत करेगी मेरे लिए वो चीज़ लाने के लिए, उसके बाद और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा वो पैसे दोबारा से इकट्ठा करने के लिए। तो गरीबी तो देखा है, पर मम्मी ने कभी वो गरीब वाला महसूस नहीं करवाया है मुझे कि तुम गरीब हो, ऐसा कुछ नहीं करवाया है। और मेरा भी वो था कि मैं मम्मी को ज़्यादा वो ना करूँ कि मम्मी हम गरीब है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मुझसे जितना हो सका मैं उतना खुश रही हर एक चीज़ पे, और मेरे मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा खुश रखा है मुझे, तो वैसा गरीबी नहीं देखा। गरीब थी पर गरीब नहीं थी, ऐसा सोच सकते हो आप। छोटी छोटी चीज़ों पे अगर खुशियाँ मिले तो वो गरीबी नहीं होती है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो किसी ने पूछा है, स्पीक फ्यू वर्ड इन तमिल दीदी। ट्रांसलेट करना पड़ेगा थोड़ा, एक मिनट। तो मैंने ये ट्रांसलेट किया है, यहाँ पे मैंने पूछा है कि तुम कैसे हो, तो ये गूगल बता रहा है, ये परी इरी कर कर कर, आप सुन के बस सुन, ये परी इरी कर इर कर, ये परी इरी सॉरी सॉरी, ये परी इरु कीरी कर, ये परी इरु कर इरी कर, ये परी इरु कर इरी कर। तो आप कैसे हो? मैंने कुछ मेरे से ना होगा तमिल,
थोड़ा डिफिकल्ट है। यप्परी इरिकर इरिकर, आप कैसे हो? तो ये अगर पूछा है तो मैं और एक दो सवाल पूछ लूँ गूगल से। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है? नान मिगवुम நன்றாக இருக்கிறேன். नान मीका भूम नान रका इरु कीरी नान मीका भूम नान रका इरु कीरिंग नान मीका भूम नान रका इरु कीरी। நான் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறேன். मैं बहुत अच्छी हूँ, वैसे आजकल इतना ही तमिल क्लास ठीक था, तो आपके वजह से मैं तमिल भी सीख जाऊंगी अब तो लग रहा है। वाह, वेयर आर यू फ्रॉम? मैं कोलकाता से हूँ। आपकी स्माइल का राज क्या है बताओ? कोलगेट। मैं डेली ब्रश करती हूँ। योर फेवरेट कलर एंड फूड? माई फेवरेट कलर इज ब्लैक एंड रेड, और फूड पिज़्ज़ा बिरयानी। पिज़्ज़ा बिरयानी, एक तो मुझे ये मेरा बहुत बड़ा दिक्कत है। आप अगर मुझे पूछो कि आपको क्या खाना पसंद है या क्या खाना चाहते हो, आप होटल पे बिठा के मुझे पूछो कि क्या खाना है, आप ऑर्डर दो, तो मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। मैं आवाज़ को बोलती हूँ तुम्हें जो पसंद है वही ऑर्डर कर दो, मैं खा लूँगी। उसके बाद घर आने के बाद मुझे लगता है यार मैं ये ज़रूर खा सकती थी, ये बोल सकती थी। लाला जाता है, देखो अभी भी पानी आ रहा है मुँह पे। तो पिज़्ज़ा बिरयानी दाल चावल और भी सारी चीज़ें, पर जैसे मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, अभी भी मैं ब्लैंक हो चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या क्या नाम बोलूँ, चीज़ें बहुत खाती हूँ मैं, नाम याद नहीं रहता है। ईद में कहाँ जाने का प्लान है? ईद में कहाँ जाने का प्लान है? एक तो ईद में वैसा कोई प्लान बनता नहीं है कि कहीं हम ज़्यादा दूर जा सके, क्योंकि घर पे इतने लोग आते, तो वैसा कोई प्लानिंग तो है नहीं कि कहीं बाहर जाए, कहाँ जाना है, वो ईद में ही बनेगा अचानक से प्लान। तो चलो गाइस, मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना क्वेश्चन आंसर सही है। अगर और भी बहुत सारे सवाल बच गए हैं, पर इसका मैं पार्ट टू निकालना चाहूँगी। एक वीडियो ज़्यादा लंबा करके मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होने वाला है, आप लोग भी बोर हो जाओगे वीडियो देखते देखते। तो आज का ब्लॉग इतना तक ही था। आपका मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में ही बता सकते हो अगर आपका कोई ज़रूरी सवाल है वो कमेंट में बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो यूज़ कर सकती हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं आपको कैसी लगती हूँ ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।